नमस्कार दोस्तों इनकम टैक्स के डिस्कशन की श्रृंखला में मैं सी अनु भाटिया आपका स्वागत करता हूं आज का टॉपिक है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 ट्वेंटी ये पर्टिकुलर वीडियो निश्चित रूप से उन असेसिस के लिए काम की होगी जो बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स हैं और ये वीडियो उन्हें ये बताने में मददगार होगी कि क्या उनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है पिछले वित्त वर्ष उन्नीस बीस के संदर्भ में अथवा नहीं आज की वीडियो में मुख्य प्रश्न मुख्य कवरेज क्या क्या है सर वो मैं आपके सामने रख रहा हूं वॉट इज अ टैक्स ऑडिट विच इनकम इज कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट प्रोविजन हु इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी किसे टैक्स ऑडिट करानी है वॉट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन वट इज द ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन वेदर जीएसटी शुड बी इंक्लूडेड इन थ्रेश होल्ड कैलकुलशन और नॉट एंड वॉट इफ टैक्स ऑडिट एज इज एप्लीकेबल बट इट इज नॉट कंडक्टेड यानी आप पर टैक्स ऑडिट तो लागू है पर आप टैक्स ऑडिट नहीं करा रहे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये सारे प्रश्नों का उत्तर सर मैं आज की इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा सबसे पहली बात सर क्विकली समझ लेते हैं वॉट इज अ टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट इज एन ऑडिट फ्रॉम द परपेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन इन रेफरेंस टू अ पर्सन हु कैरिड ऑनजनेस प्रोफेशन अबाउ स्पेसिफाइड टर्न ओवर इन द रिलवेंट फाइनेंशियल ईयर यानी यदि किसी व्यक्ति का टर्न ओवर ग्रॉससी टोटल सेल सर्टेन लिमिट्स जिनकी चर्चा में आगे आने वाली स्लाइड्स में करूँगा उनसे ज्यादा है तो ऐसे व्यक्ति को सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इनकम टैक्स लॉ के प्रस्पेक्टिव से अपनी बुक्स की टैक्स ऑडिट करानी है यहाँ बहुत सारे कंप्लायंस के मैटर्स हैं जो एक फॉर्म थ्री सी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर है वो आपके बिजनेस की ऑडिट करके भरता है और ये जो ऑडिट है इसका बेसिक पर्पस इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्या कंप्लायंस करी कहीं आपने दस हज़ार से ज़्यादा के खर्चे नकद तो नहीं किए कहीं आपने कोई पर्टिकुलर पेमेंट बिना टी के तो नहीं कर दिया या आपने कोई पर्टिकुलर रियल इस्टेट का ट्रांजेक्शन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के कम पर तो नहीं कर दिया तो इस प्रकार के साथ बहुत सारी चीजें एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जीएसटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक रेशोज भी इस ऑडिट के थ्रू चार्ट अकाउंटेंट को आपके लिए रिपोर्ट करने हैं तो टैक्स ऑडिट सर एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है किसी एस के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ विच इनकम इज कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट प्रोविजन यानी इनकम टैक्स लॉ में यदि आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपकी कौन सी इनकम टैक्स ऑडिट के दायरे में आती है बेसिकली ऐसा क्यों है सर क्योंकि हमारे पास इनकम तो सैलरी की भी होगी हाउस प्रॉपर्टी की भी हो सकती है बिजनेस प्रोफेशन की भी हो सकती है कैपिटल गेन की भी हो सकती है अदर सोर्स की भी हो सकती है ये पांच हेड मुख्य हेड है इनकम टैक्स लॉ में लेकिन दोस्तों टैक्स ऑडिट उसी व्यक्ति को करानी है जिसके पास में इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हो यानी बाकी के हेड्स में आपकी इनकम चाहे कितने भी अमाउंट की हो आपको टैक्स ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है हाँ यदि आप बिजनेस प्रोफेशन में लगे हुए हैं रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में और आपका ग्रॉस ग्रॉसि टोटल सेल टर्न एक थ्रेश लिमिट जिसकी डिस्कशन में आगे करूंगा उससे ऊपर है तो सर निश्चित रूप से आपको टैक्स ऑडिट करानी होगी अब आ रहा हूं दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में हु इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो मैंने उसका उत्तर इस प्रकार से लिखने की कोशिश करी है एनी अससी हैज इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर हिज और इट्स टर्न ओवर ग्रॉस असीड और टोटल सेल हैज एक्सीडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट ज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन हिज और इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइन सिक्सटी वन इसका तात्पर्य क्या है सर सभी चाहे आप इंडिविजुअल हैं चाहे आप एच यू एफ हैं आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म है एल एल पी हैं कंपनी है यदि आपका टोटल सेल ग्रॉसिट या टर्न ओवर थ्रेशोल्ड लिमिट जिसकी चर्चा में अभी आपसे करूंगा उससे ज्यादा है तो आपको सर टैक्स ऑडिट करानी है हा ये जो टैक्स ऑडिट करनी है सर जैसा मैंने आपको बोला इसकी आवश्यकता तभी है जब आपके पास में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है यदि आपके पास में इनकम किसी दूसरे हेड से है और कितने भी अमाउंट में है आपको टैक्स ऑडिट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के आप असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस यानी फाइनेंशियल ईयर उन्नीस बीस के लिए एज अ बिजनेसमैन टैक्स ऑडिट कराने के लिए कब लाइबल है तो दोस्तों इसका उत्तर है, sales, 1 गत वर्ष उन्नीस बीस में अगर आपका टोटल सेल टर्न ओवर ग्रॉस रिसीट एक करोड़ से ऊपर था तो सर आपको इन तीनों में से कोई भी एक राशि यदि एक करोड़ से ऊपर है जो आप पर एप्लीकेबल है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता है लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई सर बाद में अमेंडमेंट होकर के लेकिन ये लिमिट एक करोड़ की जगह पांच करोड़ देखी जाएगी उन व्यक्तियों के केस में इन द केस ऑफ अ पर्सन हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव इंक्लूडिंग सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीड इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड फाइव परसेंट ऑफ टोटल रिसीट एंड हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश प्रीवियस नॉट एक्सीड फाइव परसेंट ऑफ सैड पेमेंट मैं इसका उदाहरण देता हूं मुझे कितने है? अब चार करोड़ का पांच परसेंट दोस्तों बैठता बीस लाख उन्होंने टोटल कैश पेमेंट जो इस साल किए पंद्रह लाख किए हैं और कैश रिसीट उन्होंने करी है अठारह लाख अब इस एस के, के केस में दोस्तों पांच करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर भी टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है यह एक विशेष एग्जाम्पन भारत सरकार ने दी है और यह वित्तवर्ष दो हजार -20 के लिए भी इक्वली लागू होगी तो यह एक इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाना चाहता था हालांकि मेरा पर्सनल सजेशन क्योंकि मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूं तो ऐसा सोचता हूं कि टैक्स ऑडिट कराना किसी भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू निश्चित रूप से फायदेमंद है क्योंकि वहां पर चार्ट अकाउंटेंट आपकी बुक्स को देखता है वो आपकी बुक्स के बेसिस पर सजेशन भी देगा उसमें कोई डिफेक्ट्स है तो वो प्रॉबेबली अगर वो आइडेंटिफाई करेगा तो आप उन डिफेक्ट्स को दूर कर पाएंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू मैं जनरली फिर बोलूंगा एक करोड़ से ऊपर के टोटल सेल टर्नओवर ओवर ग्रॉसिट पर सर ऑडिट करानी है लेकिन यदि आप ये पांच परसेंट वाला ग्रॉस रिसीट का और पांच परसेंट वाला ग्रॉस पेमेंट से ऊपर का कैश रिसीट कैश खर्चा नहीं है तो सर आपको पांच करोड़ तक भी ऑडिट नहीं करानी फिर आपको टैक्स ऑडिट पांच करोड़ से ऊपर के टर्न ओवर पे करानी है थ्रेसोल्ड लिमिट की चर्चा सर मेरी जारी है इसमें मैं आपके सामने अब सेक्शन फोर्टी एडी क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति फोर्टी का बेनिफिट लेता है वो अपने बैंकिंग से आए टर्न का छह परसेंट या नॉन बैंकिंग टर्न का मिनिमम एट परसेंट प्रॉफिट के रूप में इनकम के रूप में बता सकता है ऐसा भारत सरकार ने ऑप्शन दिया है ये बात ध्यान रखने योग्य है सर यदि कोई व्यक्ति सेक्शन फोर्टी फोर ई का बेनिफिट अवेल करता है तो उसके लिए थ्रेश लिमिट दो करोड़ तक की है यानी मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप एक रेडीमेड गार्मेंट के ट्रेडर हैं ठीक है थीके? और आप रेडीमेड गार्मेंट के ट्रेडर के रूप में साल में डेढ़ करोड़ रुपए की सेल करते हैं और आप सेक्शन 44 फोर एडी का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं आप ये कहना चाहते हैं जी मेरा मार्जिन 10 तो परसेंट है और आप 44 का ले रहे हैं, तो ऐसी टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है आगे देखिए आप ऐसे एससी हैं हुआ फोर्टी फोर एडी ऑफर्स लोअर इनकम देन एट परसेंट और सिक्स परसेंट जैसा मैंने अभी आपके सामने बात रखा तो ऐसी परिस्थिति में सर आप यदि लोअर इनकम ऑफर करना चाहते हैं आठ या छह परसेंट से और लॉ कहता है आपकी टोटल इनकम अब है तो सर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट फोर्टी फोर एडी में ऑडिट करानी है फॉर एन एग्जाम्पल मेरा टर्नओवर है एक पॉइंट दो करोड़ अब मैं कहता हूं सर कि मेरा छह भी मार्जिन नहीं है मेरा मार्जिन तो तीन ही है और मैं एक ट्रेडर हूं तो ऐसी परिस्थिति में बाय डिफॉल्ट फोर्टी फोर एडी कहता है अगर सारे ट्रांजेक्शन बैंकिंग से हैं, तो मिनिमम परसेंट तो भाटिया जी आपको ऑफर करना ही है लेकिन मैं कहता हूं नहीं सर मेरा तीन परसेंट ही मार्जिन है तो कोई दिक्कत नहीं है मैं तीन परसेंट ऑफर कर सकता हूं लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट की टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी तभी भारत सरकार उस बात को मानेगी ड इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एक्चुअली सर ट्रांसपोर्टर्स के संदर्भ में एक सेक्शन है सेक्शन फोर्टी फोर ए ई ऑफ इनकम टैक्स लॉ जो टाइनी ट्रक ऑपरेटर्स या गुड्स कैरेज व्हीकल के संदर्भ में लागू होता है जिनके पास में साल में दस से ज्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल खुद के नहीं होते उनके संदर्भ में लॉ बोलता है अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो वन थाउजेंड रुपीज पर टन पर मंथ कैलकुलेशन करेंगे वेट के हिसाब से या अगर हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है तो साढ़े सात हजार रुपये पर मंथ की दर से आपकी आय की गणना की जाएगी अब मान लीजिए सर आप सेक्शन 44 फोर ए बी ए में आते हैं लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं 44 फोर ए की इनकम से कम इनकम ऑफर करना चाहता हूं तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेक्शन 44 फोर ए बी में टैक्स ऑडिट करानी होगी केस ऑफ अ ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स हु विशेष टू ऑफर इनकम लोअर देन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन फोर्टी फोर ए जो मैंने अभी एग्जाम्पलीफाई करी ऐसे व्यक्ति को भी दोस्तों टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी हाँ एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टर जिसकी ग्रॉस रिसीट एक करोड़ से ऊपर है सर उसको तो टैक्स ऑडिट निश्चित रूप से करानी ही है लिमिट इन द केस ऑफ प्रोफेशनल क्या क्या होती है है यानी टैक्स ऑडिट की लिमिट सर प्रोफेशनल्स के केस केस में इन द ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल सब प्रोफेशनल्स के लिए नहीं सर ऐसे प्रोफेशनल जिन्हें स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की कैटेगरी में माना गया है जैसे एक चार्ट अकाउंटेंट डॉक्टर लॉयर आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर डेकोरेटर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फिल्म आर्टिस्ट आईटी पर्सन यानी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनके लिए सर टैक्स ऑडिट तब चाहिए यदि उनकी ग्रॉस रसीटे फाइनेंशियल उन्नीस बीस में पचास लाख से ज्यादा है यदि उनका पर्टिकुलर पचास लाख रुपए से कम का ग्रॉस रसीट है सर तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को सर इनकम टैक्स लॉ सेक्शन फोर्टी फोर में यह ऑफर करता है कि आप मिनिमम फिफ्टी की अपनी इनकम ऑफर कर दें तो आप सिंपल 50 परसेंट या उससे ऊपर मार्जिन आप ऑफर कर दें तो आप बिना किसी प्रकार की हिच के एक टैक्सेशन स्कीम में निकल जाएंगे लेकिन दोस्तों यदि कोई प्रोफेशनल जो कि एक रेजिडेंट भी है यदि वो कहता है नहीं साहब मेरे प्रोफेशन के जो मार्जिन है मेरा जो प्रॉफिट है वो फिफ्टी ऑफ ग्रॉस रिसीट से कम है लेकिन उस व्यक्ति की इनकम बेसिक एग्जाम्स लिमिट के ऊपर है तो ऐसे व्यक्ति को सर अपनी बुक्स ऑफ अप अकाउंट डॉक्यूमेंट ऑडिट करानी पड़ेगी तो मैंने यहां पर सर प्रोफेशनल्स के संदर्भ में भी एक क्लैरिटी देने का प्रयास किया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सर वेदर जीएसटी टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग थ्रेश limit लिमिट और नॉट जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सर मेरा टर्नओवर है एक करोड़ नब्बे लाख प्योर सेल्स जो इनवाइस वैल्यू से आती है लेकिन उसके ऊपर मुझे मान लीजिए 18 लाख रुपए का जीएसटी भी मैंने रिकवर किया तो अब अगर आप मेरा टर्नओवर देखते हैं तो वो हो जाता है सर दो करोड़ आठ लाख अगर इस प्रस्पेक्टिव से चलते हैं सर तो मुझे टैक्स ऑडिट चाहिए और अगर आप मेरा टर्न केवल सेल्स वैल्यू देखते हैं विदाउट जीएसटी तो एक करोड़ नब्बे मुझे ऐसी परिस्थिति में सर फिर टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं तो फाइनल आंसर क्या हो सर अनफॉर्चुनेटली इस विषय को इनकम टैक्स लॉ ने बहुत स्पष्ट तरीके से डील नहीं किया और जब स्पष्ट प्रकार से टर्नओवर की कैलकुलेशन को यहां डील नहीं किया तो मेरा यहां पर यह ओपिनियन है सर कि जनरली हम लोग जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो हम उसे जीएसटी पेबल अकाउंट में स्पेसिफिकली अलग से रखते हैं हम उसे सेल्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं करते और यदि मैंने सेल्स अकाउंट में जीएसटी कलेक्टेड को क्रेडिट नहीं किया तो मेरा टर्न ओवर एक करोड़ नब्बे ऐसी परिस्थिति में ऑडिट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए लेकिन यह मेरी ओपिनियन है फाइनल ओपिनियन वही होगी सर जिसे भारत सरकार मानती है अगली बात हालांकि इस विषय पर विवाद चल रहे हैं और कोर्ट्स अपनी अपनी ओपिनियन देते रहते हैं एक बात और सर मैं यहां पर कहना चाहूंगा यदि आप कंपोजिशन डीलर हैं यानी क्योंकि कंपोजिशन डीलर किसी भी प्रकार से अलग से जीएसटी कलेक्ट नहीं करता आपने जो वैल्यू कलेक्ट करी है उसी के अंदर जीएसटी शामिल है तो वहां मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जीएसटी इंक्लूडेड वैल्यू ही आपके टर्नओवर का हिस्सा मानी जाएगी वट इज द ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी मैं स्पष्ट किए देता हूं सर जब तक भारत सरकार स्थिति को बढ़ा ना दे For the assessment year 2021, द टैक्स ऑडिट ड्यू डेट इज 31st of ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ये तारीख जनरली 30 सितंबर होती है लेकिन अब इसे इस साल के लिए वित्त वर्ष उन्नीस बीस यानी असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस के लिए दोस्तों 31 अक्टूबर तय किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड 19 तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार से रखिए कि 31 अक्टूबर 2020 तक हम टैक्स ऑडिट करा लेंगे अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर व्हाट इफ इफ द टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल बट नॉट कंडक्टेड जो मुझसे कुछ लोग पूछते भी हैं कि भटिया जी टैक्स ऑडिट नहीं कराई तो क्या हो जाएगा हमारा मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा सर पर लॉ का प्रावधान आपके सामने रख देता हूं एज पर सेक्शन टू बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन इफ अ पर्सन फेल्स टू गेट इज अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन फोर्टी ए बी द असेसिंग ऑफिसर मे लेवी बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम इक्वल टू वन हाफ परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स टर्न ओवर और अ सम ऑफ एवर इज लेस मान लीजिए सर मेरा टर्न ओवर है सर चार करोड़ रुपए का अब चार करोड़ का आधा परसेंट होता है सर दो लाख तो दो लाख और डेढ़ लाख विच एवर इज लेस यानी डेढ़ लाख रुपए की पेनल्टी सर मेरे प्रेजेंट केस में अगर मैंने ऑडिट नहीं कराई तो लगाई जा सकती है मैसेज यह है सर कि टैक्स ऑडिट

दोस्तों मैं आशा करता हूं कि टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस पर असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस के लिए मैंने ये जो वीडियो बनाने का प्रयास किया आपको ये प्रयास निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा आपके बहुमूल्य सुझाव आपके कमेंट्स और ऐसे विषय जिन पर आप मुझसे वीडियो बनाने के लिए अपेक्षा रखते हों आप मुझे दें मैं उसका स्वागत करता हूं मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद